एक तरफ स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 शुरू होने को है, वहीं राजधानी रांची की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। हालांकि निगम में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में शामिल होने की बात कही है, वहीं निगम फिर से नए उपकरण एवं साधन का सहारा लेकर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कह रहा है। सफाई व्यवस्था को लेकर हमेशा आलोचनाओं में घिरे रहने वाला निगम अब नई तरकीब की बात कर रहा है। बीते दिनों भी कई नीतियां बनी, लाखों करोड़ों खर्च हुए, लेकिन कुछ भी सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिला। अब निगम हर घर में दो स्मार्ट डस्टबिन लगाने जा रही है, जिसमें एक चिप लगा होगा, जिससे काम पूरा हो जाने के बाद निगम कार्यालय को अवगत कराएगा। वहीं स्मार्ट डस्टबिन के भरे एवं खाली होने की जानकारी रहेगी। इससे डोर टू डोर निगरानी के साथ साथ व्यवस्था सुधरेगी। उसमें डोर टू डोर सेग्रीगेशन का प्रावधान है। हर घर में दो जो है वो डस्टबिन जो है वो कंपनी के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें RFID चिप लगा रहेगा। वो जैसे ही आपके घर से कूड़ा उठेगा, वो कंप्यूटर पे मैसेज, मतलब हम लोग को भी फ्लैश रहेगा कि ये बंदे के घर से कूड़ा उठ गया है। तो इस तरह से उसकी एकदम लोएस्ट लेवल तक, मतलब हाउस होल्ड लेवल तक की मॉनिटरिंग जो है, हाँ, डोर टू डोर मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से हो पाएगी। वही डंपिंग जोन को वर्गीकृत कर उससे प्राकृतिक गैस उपार्जन की भी योजना है। इसके लिए निगम के पास गेल से प्रस्ताव आया है। गेल डंपिंग जोन पर प्लांट बैठाकर गैस उपार्जित करना चाहती है। साथ ही साथ बीते वर्षों में डंपिंग जोन से निर्मित मिट्टी को परिशोधित कर राजधानी के ऊबड़ खाबड़ इलाकों को समानांतर करने का भी काम किया जाएगा। गेल के माध्यम से, अभी गेल से हम लोग को जस्ट प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसका स्टडी किया जा रहा है। अगर वो सफल होता है तो निःशुल्क उन लोगों ने बायोमिथेनाइजेशन एंड कंपोस्टिंग टेक्नोलॉजी से उसको प्रोसेस करने का प्रावधान किया है, और वहाँ से जो CNG निकलेगा, मतलब मिथेन गैस, वो CNG जो है वो शहर को ही सप्लाई होगा। तो एक तरह से वेस्ट से उसी का फायदा हमारे शहरवासियों को भी मिलेगा। मौजूदा स्थिति में राजधानी कचरे से पटा है, और स्थिति देखकर तो यह तय है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानी कई पायदान नीचे जा सकती है। वही निगम भी यह मानती है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के लिए सफाई व्यवस्था मुकम्मल नहीं है। अपने सहयोगी तपेश के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज 11 भारत, रांची।